This actually predates all those other concepts that you spoke about. Because ये उस वक्त की बात है जब मैं ट्रेन से जमशेदपुर से दिल्ली जाता था एंड बिकॉज आई वॉज स्टडिंग इन हिंदू कॉलेज इन दिल्ली. सो छुट्टियों में व्हेन आई यूज टू कम बैक टू जमशेदपुर एंड गो बैक टू दिल्ली फ्रॉम द विंडो सीट ऑफ द ट्रेन आई वुड ऑलवेज सी एडवर्टाइजिंग ऑफ सेक्स डॉक्टर्स गुप्त रोग विशेषज्ञ. और इस गुप्तता से मुझे बड़ी इंट्रीग होती थी कि ऐसा क्या है हमारे देश में कि यही सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट है. झांसी का, मुरैना का, भोपाल का, ऐसी शहरों का सबसे ज़्यादा बातें दीवारों पे जब आप देखेंगे, बोलते हैं ना कि द ट्रूथ ऑफ अ टाउन इज़ रिटन ऑन इट्स वॉल्स. सो ऑन द रिटन ऑन द वॉल्स आई ऑलवेज सॉ गुप्त रोग विशेषज्ञ के नाम, एग्जैक्टली जैसा है वहाँ पर बनाया इन लोगों ने. और उसके नीचे बहुत सारे रोग के नाम लिखे होते थे हिंदी में, जो उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि इसका मतलब क्या है. बट इट यूज़ टू इंट्रीग मी अबाउट द लाइव्स ऑफ द सेक्स डॉक्टर्स देमसेल्व्स, द रीजंस व्हाई दे बिकेम सेक्स डॉक्टर्स एंड हाउ दे बिकेम सेक्स डॉक्टर्स इन द फर्स्ट प्लेस एंड द लाइव्स ऑफ द पीपल दैट लिव इन दोज टाउन्स एंड कंसल्ट दीज डॉक्टर्स. क्योंकि गुप्त वर्ड जो है ना, वो ये बहुत बड़ा वर्ड है इस संदर्भ में. जैसा कि किसी ने स्लोगन लिखा है बड़ा अच्छा कि जब तक गुप्त रहेगा तब तक रोग रहेगा. ये ऐसी चीज़ है ना जिसके बारे में बातें आप नहीं कर सकते. अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो आप हड्डी के डॉक्टर के पास जा सकते हो, ये रोग हो जाए ना तो आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते. सो ये लोग बहुत सर्विस कर रहे हैं सोसाइटी को, बट छुप छुप के कर रहे हैं. ऐसा लगता है कि जो सेक्स डॉक्टर है वही खुद शायद कोई पर्वर्ट है, उसे भी छुप करके रहना पड़ता है. सो आई फील दैट देयर वाज समथिंग वेरी इंट्रीगिंग अबाउट दिस व्हिच कॉट माय अटेंशन. आपने छोटा सा सवाल किया था, मैंने बहुत लंबा जवाब दे दिया. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई डोंट थिंक यहां पे बैठे हुए किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम है अगर आपका जवाब जो है लंबा हो. इम्तियाज, आपकी जो जर्नी रही है एज अ क्रिएटर, चाहे कोई भी मीडियम हो, इट्स इनकम्प्लीट विदाउट म्यूजिक. कुछ जो आपके पार्टनर्स इन क्राइम हैं वो भी मौजूद हैं, उनको भी मैं इनवाइट करूंगा. आई डोंट वॉन्ट टू यूज द वर्ड OTT बिकॉज इट लिटरली ट्रांसलेट्स टू ओवर द टॉप. देयर इज नथिंग ओवर द टॉप. लेट्स से स्ट्रीमिंग, इवन इफ इट्स अ वेब सीरीज वेयर यू आर रनिंग द शो, यू हैव क्रिएटेड इट. म्यूजिक एक बहुत ही अहम हिस्सा है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं जानता हूँ वो सीक्रेट्स क्या हैं जो आज रिवील होंगे म्यूजिक के माध्यम से. लेकिन आपने इसमें भी जो म्यूजिक चुना है वो ऐसा लगता है कि बहुत ही ठहराव के साथ, बहुत ही सुकून के साथ. यू टेकन अ लॉट ऑफ टाइम टू चूज दैट म्यूजिक. व्हाट्स द रोल दैट इज प्लेइंग इन डॉक्टर अरोड़ा? वेल, आई वुड लाइक टू से दैट मैंने गाना उतना सुकून उतने अच्छे से, मेरा काम उतना अच्छा नहीं रहा है. मेरा एक ही काम अच्छा रहा है कि मैंने कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स को पकड़ लिया, फंसा लिया और इस शो में मैं ले आया, जिनकी वजह से वो म्यूजिक उतना अच्छा है. बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तानी की सुबह नहीं होती, शाम नहीं होती जब तक वो संगीत ना सुने. और हिंदुस्तानी लाइक इंडियन स्टोरी टेलिंग इज़ नॉट कंसीवेबल विदाउट सॉन्ग्स. फॉर 1000 ईयर्स वी हैव बीन टेलिंग स्टोरीज विद सॉन्ग. एंड फॉर सम रीज़न, बिकॉज वी वर ऑब्वियसली वॉचिंग वेस्टर्न शोज ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म बिफोर वी स्टार्टेड मेकिंग देम आर सेल्व्स, we have not introduced songs and music that much on digital shows as we see in Indian films, you know. So for us, it at Window Seat, Mohit and I were always thinking about it, and Irshad, that why can't we have songs in shows, you know. So this became a good beginning for that, and I hope that even in the future I get to do this for shows, because I feel that the best part of filmmaking is actually working with music and being in the same room as people like Niladri and Sunny. You say filmmaking, right? But a film is so different. No, Imtiaz, that's my next question. It almost lends itself to what I'm asking you. Aap ek film set ko puri tarike se command kar chuke hain. Here you're creating the show. Ye jo ab ek badlaav aaya hai, where you're also putting out content, log apne mobile screens pe dekh rahe hain. Is there a different sort of challenge than what you do on the bigger screen? I feel it's a huge opportunity to begin with, that you can make a story of any duration that the story requires to be, that you don't have to fit a story of a film into a show and a show into a film. Like I've been trying for years and years, decades in fact, to make a film on Dr. Arora, but I could never succeed because it doesn't suit that length.
because we did not have these shows or these platforms before. Things like Dr. Arora and She, the two shows that we've made, could never get made. So now we have the opportunity of doing this. That for me is a very interesting opportunity. The other thing is that it's a very, see, the thing is, I was getting a bit like agitated with age, because I thought, I have so many stories, and much as I try, I cannot make or direct a film in quicker than 2 years or a year and a half at best. Nah? So there were so many stories that will just, like, I will never be able to make them. Show running is not just lending your name. It's a lot of work, okay, for everybody who thinks. Maine bahut mehnat ki hai, yaar, Dr. Arora. Mein. Welcome to the masterclass by Mr. Imtiaz Ali, ladies and gentlemen. It's not, log aisa keh rahe the ki, oh, ji, aap to, theek hai, wo koi aur direct kar dega. Aisa lagta hai ki direct karna bahut badi baat hoti hai. But almost everything that a director does, sorry. Ye dard nikal ke aa raha hai. Ek to mera bhai hai director, dusra mera junior hai college ka, to main bol sakta hu aisi baatein. So, there is work. Like, it's a different medium. There's a different discipline in it. What you have to do is that you've got to be the creative goalkeeper, so to speak. And in this case, both the stories were mine. So there was an original vision which was mine, which I had to make sure comes into the show. There's a lot of work to be done as a showrunner, and I'm really enjoying it. Okay, kabhi kabhi kya hota hai ki when we're living in the present, hum us waqt ateet ko utna yaad nahi kar pate. Here are two gentlemen, Imtiaz Ali and Irshad Kamil, who have collaborated for so many years. I mean, if I start thinking of all the songs jo inhone create kiye hain, right? Moja hi moja, aao milo chale, Rockstar ke gaane, Laila Majnu ke gaane, Highway ke gaane, Tamasha ke gaane. Lekin I know Irshad bhai for so long. Aap dono ke rishte mein ek line jo hai, wo Imtiaz aur aap ek dusre ko kafi baar bolte hain, zara us pe bataiye. Maza nahi aa raha hai yaar. जो मजा नहीं आ रहा है तो बड़ी कमाल की बात है. मतलब वो शुरू शुरू में इम्तियाज मुझे बोलता था, अच्छा सोच यार इरशाद, अगर आज साहिर लुधियानवी होता तो वो क्या यही लाइन लिखता? ओ तेरी, अच्छा. और मुझे तो बड़ी अच्छी लाइन लिखनी पड़ेगी फिर ये सोच के. तो एनीवे, जैसे मैंने कहा कि इम्तियाज की सबसे अच्छी बात यह है कि उसको बाकियों का तो पता नहीं, पर मुझसे काम निकलवाना आता है. और काफ़ी बखूबी वो काम निकलवा रहे हैं. मैं अभी अगले गाने के लिए हमारे दो और अमेजिंग सिंगर्स को इनवाइट करने वाला हूं, लेकिन एक बार जाते जाते ज़रा बताइए, खालीपन जो है वो कहां से इंस्पायर होकर आया दिल में? ओ, खालीपन तो रहता है. बहुत ही अच्छा गाना, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बनाया था इवन महरम का और खालीपन का नीलाद्री सर ने. ये जब भी बनाते हैं, ये मेरी दूसरी कोलैबोरेशन है साजिद के साथ भी और नीलाद्री सर के साथ भी. हम जब भी कोशिश करते हैं कुछ काम करने की, तो वहाँ से चीज़ें लेके आने की कोशिश करती हैं जिस जगह का एक्चुअली हमें भी नहीं पता होता कि वो है कहाँ पे. टू नाउ डूइंग अ शो विच इज़ गोइंग टू बी ऑन एवरीबडी स्क्रीन्स, व्हेन यू लुक एट द एंटायर जर्नी ऑफ व्हाट योर करियर हैज़ बीन, अब यहाँ पे आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं? हैव यू चेंज्ड एनीथिंग इन द वे यू प्रोबब्ली गेट ऑन टू अ सेट? एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस इंडस्ट्री में आपको स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है. यू नो, एक जो रोल बोलता, मतलब ज़िंदगी भर आपको वही करना पड़ता है. एंड इट टेक्स अ वेरी यू नो बोल्ड डायरेक्टर इन अ वे टू गिव यू अ डिफरेंट विजन, यू नो, टू गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोल. सो थैंक यू इम्तियाज फॉर गिविंग मी तमाशा, सच अ डिफरेंट रोल. कोई भी सोच नहीं सकता था मैं वैसा रोल कर सकता हूँ. एंड फॉर गिविंग मी बागला, एंड सो आई मीन इट नीड्स अ रियली बोल्ड डायरेक्टर टू टेक अ चांस ऑन यू फॉर सच अ रोल. I'm so tempted to ask you, आपकी टाई कहाँ है? I'm just kidding. That's the dialogue from Tamasha. Okay, Vidya, when you see Imtiaz Ali's name flash on your screen, do you even listen to the story or you're like, yes and yes? Okay, so there's a little story that I'm going to tell you. I think about 11 plus years ago, I'd watched Rockstar, and I don't know, I was completely and totally in love with that film, totally. And I messaged Imtiaz sir saying, you know, how good the film was and everything. And one last line I added saying, you know, even if I get to ever play a tree in your film, I will play it. It'll be my pleasure and honor. And he was, of course, very sweet and all that. He messaged back. But cut to 11 years later, here I am. I think he's given me a part of a lifetime. Vaishali is just, I don't know, I think my
weird, crazy, beautiful dream come true for me. So, yes. Finally, 11 and a half years later. Sandeepa, can you imagine? Yeah. Jab se iska teaser, iska trailer, iske first visuals, everybody has been talking about this show. And anyway, I think Sony Live ka jo lineup hai, it's the best. Lekin, aapki jo humongous social media following, aapke dost, aapke family members, what was their first reaction when they saw you in Dr. Arora? I think the first thing that everybody asked me was, what is that song? Who sung that song? That's a lovely song. Can we hear it? That's the first thing that I got. I still get from people. Everybody wants to know the song that's playing in the trailer. And I think unanimously, everybody loved the trailer. Every single person loved the trailer. And they had such lovely things to say about the fact that a very sensitive topic has been presented in a very real space. And without any gimmick, there is no uncomfortableness that can come associated with a subject like this. So I think that for me was a huge win, because you always want to be associated with stories which need to be told. And I think we are in that space right now with the advent of OTT that we can afford to tell these stories as they are with good makers and with great directors. So I'm happy that we were able to do that. Boys, here is a gentleman jinhone jo characters screen pe create kiye hain. Kisi bhi college mein chale jaoge, log unhi ki nakal kar rahe hote hain. That's what everybody wants to perform. When you did a take for Sajid, for Archit, did you ever go up to him and say, sir, kya kar sakte the isme? Or yeah, did you ever expect feedback from Imtiaz? Sir, actually, before the shooting happened, humne kafi baat ki thi about the character, about the story. So I think वहीं पे हो गया सारा ज्ञान ले लिया था मैंने एंड आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर द शूट तो आई थिंक या डिड इट विथ हिज हेल्प आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोसेस वाज दैट वी डिड अ लॉट ऑफ वर्कशॉपिंग एंड इवन द ऑडिशंस दैट वर हैपनिंग फॉर द कास्टिंग ऑफ दीज पार्ट्स दे वर मोर लाइक वर्कशॉप्स वेयर इट वाज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन सर साजिद भाई अर्चित भाई एंड we as performers became more and more comfortable and had a lot more self-belief in ourselves that yes, this is me. So when we were there on set, there was nothing ki bahut bada kuch karna hai ya kuch karna hai, sab process-wise, step-by-step, it became very comfortable on set for us. And then we have a Hollywood star amongst us. Ladies and gentlemen, I'm a huge, huge fan of Pitovash. Ek baat batayen, inhonne toh workshop ki, inhonne baat ki, aapko inhonne aake kaha ke, आपको जो ठीक लगता है वो करो या इनके साथ बातचीत चल रही थी पितोवाश नहीं ऐसी बात नहीं है हम सारे एक्टर्स ने मिलकर रीडिंग की हुई है जब रीडिंग सेशन में बैठते थे तो ऑफ कोर्स मतलब फीडबैक्स इम्तियाज सर से आता था डायरेक्टर्स से हमें कुछ लग रहा था तो हम बता रहे थे तो इट वॉज लाइक अ कोलाबरेटिव एफर्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है चाहे वो सीरीज हो फिल्म हो कोई भी चीज़ हो राइटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और इतनी कमाल की राइटिंग थी रीडिंग के बाद 70% काम उस राइटिंग से हो गया था एंड इसलिए ऐसे अच्छे डायरेक्टर्स और अच्छे राइटर्स आपको काम करने के लिए मिल जाए तो आप मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है काम हो जाता है मुस्कुराहट ही पूरी सच्चाई बता रही है बहुत अच्छा लगा मैंने उनके साथ तमाशा में काम किया था जिस जो मेरा रोल बहुत ही पसंद आया था लोगों को तो मैं हमेशा सोचता था तमाशा के बाद मुझे क्यों नहीं बुला रहे और उस रोल में काफ़ी तारीफ भी हुई थी तो फिर फाइनली जब इसमें उन्हें मुझे सेलेक्ट किया तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड द रोल इज़ सो गुड दैट आई एम रियली फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ इट As you said in the first time, your role is quite different. Would you like to say something about your role? ये एक बेसिकली उस ज़माने का बंदा है जो कि जब न्यूज़ जब टीवी चैनल्स नए नए आ रहे थे ना न्यूज़ वाले टीवी चैनल्स नए नए आ रहे थे ये अखबार का एक ओनर है right. हिंदी पेपर का ओनर है एक छोटे शहर में और उनकी एक अलग अहमियत होती थी right. लेकिन जब टीवी न्यूज़ वाले आने लगे तो उनकी वैल्यू थोड़ी डाउन होने लगी
So on a different level, this is also a story about a man who is trying to keep control over his, you know, respect, जो पहले होती थी, plus transitioning into जो नया जो medium है, जो TV है, TV क्या है? इस समय उसे लगा TV क्या है? हम ही हैं, I'm the king. और धीरे-धीरे accept करना नए technology को, नए उसको. So very interesting character. Plus his family life is very interesting, very complicated, very. एक लाइन में बोलूँ अगर मेरे कैरेक्टर के बारे में तो ये होगा कि औकात औकात हटे बाजे की लेकिन अकड़ महाराजे की. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लाइक अमेज्ड बाय वी हैव 39 million ऑन अ ट्रेलर. वी रीच 39 million. आई थिंक अर्जित द डायरेक्टर वाज टेलिंग मी दैट वी आर द हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट व्यूड ट्रेलर एवर of a series, the you know the first two being Mirzapur and Family Man, and we come third. So I think we just, I think it's amazing that a trailer of a series can garner that kind of numbers. And even if you like read the comments below, you know, in you know below in the YouTube trailer, people have such lovely things to say about the show, about you know the actors, and about of course the music. And it's so lovely to be part of something that you know is talking about a very very intrinsic you know topic, and the fact that people are accepting it with open arms, and I'm super kicked about that. I think the trailer, of course, we're super excited that it's been viewed. We're almost we're the third highest, you said, right? Which is outstanding. Secondly, I think what really stuck with the trailer is, of course, the characters are lovely, but the music that is sort of everybody's humming it. It is just, it's got this vibe that there is a certain vintage old world feel to it that people have just sort of grabbed onto so well. Of course, there is a lot of curiosity as to what Dr. Arora is and what he's doing. I remember with me, I'm just like blink and you'll miss sort of a shot. So I was traveling somewhere where there was absolutely no network and I couldn't download the trailer for the longest time. It took almost an hour and a half for the trailer to download. So I called my manager and said, how is it? What is it? She's saying, "Arey, the trailer is very nice, but you're not there." And I'm like, "What? Really?" So he's like, she's because like, you had to get that song now. I know. So I said, "Anyway." She's not in the trailer, but she has an entire song called "Mehram," which is like the most amazing song ever. I know. So I said, "Listen, I'm sure they have a plan. So I'm just going to sit pretty where I am and let's enjoy." So for the first 3 days, I couldn't connect with anybody, and then the third day, Archit, I spoke to him, our director, and he's like, do you know what? It's going crazy. The YouTube world has just erupted with our trailer, and yeah, so is the song. So it all works out well. So I play Vaishali. I think it's very rare for actors to get a character like say an onion. I don't know, it's a weird analogy, but you can just keep peeling off and there are just layers and layers and layers to her. She is mysterious, she is melancholic, there's a fragility about her, and yet she's really brave. I don't know if I have the courage or the guts to sort of do something that she has. There's also, there's a simmering quality about her through the show, which is just, it's lovely. It's just that the exterior, though, is so calm and composed that, I don't know, I really had a fantastic time playing it.